डॉक्टर साहब, मैथुन में औरत और आदमी खुशी होने के लिए योनि की गहराई, लिंग का परिमाण दोनों बराबर रहना है? मैथुन में औरत और पुरुष समान तौर पर समकक्ष सुख पाने के लिए योनि की गहराई, लिंग का परिमाण एक ही रहने की जरूरत नहीं है। पहले बात, गहराई अधिक हो या कम हो, लिंग का परिमाण अधिक हो कम हो, लेकिन उनको सेक्स में बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। क्यों, कैसा? सेक्स में सुख पाने के लिए शरीर में जो लैंगिक नाड़ियाँ होती हैं वे तो प्रेरित होते हैं। इस प्रेरणा से जो अनुभव होता है, अनुभूति होती है, वह तो इधर नहीं, किधर? दिमाग में। दिमाग में हमका उसका अनुभूति हमको एक फीलिंग में आ जाता है। इसलिए योनि की गहराई लिंग का परिमाण से किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं। क्या चाहे पहले दोनों को फोर प्ले में भाग लेना, एक दूसरे को लैंगिक प्रेरणा करना चुंबन से, आलिंगन से, और औरत में उनके स्तनों के प्रेरणा, लाइक क्लाइटोरिस की प्रेरणा, जी स्पॉट की प्रेरणा करना है। वैसे पुरुष का दी लिंग का प्रेरणा, वह उसके उस लिंग को अपने मुंह में रखकर वह तो उसको प्रेरणा दे सकती है। वैसा ओरल सेक्स करने से पुरुष को भी अधिक सुख मिलता है। वैसे ही यह पुरुष भी उसको क्लाइटोरिस का प्रेरणा, जी स्पॉट की प्रेरणा, चाहे स्तनों की प्रेरणा करना है, उतना ही नहीं, वो चाहे तो अपने जीभ से उसके योनि के पास थोड़ा सा चुम्बन करने से बहुत सुख मिलेगा। इधर योनि की गहराई लिंग के परिमाण से कोई संबंध नहीं, केवल स्ट्रोक्स देने से बहुत बहुत सुख पाएगी, दोनों को सुख मिलेगा, केवल ये औरत के नहीं पुरुष को भी सुख मिलेगा। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज को निकट वाली डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित सुख संसार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स।